अबार मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और अठे वहाँ की काई सुनवाई को नहीं हो रही। खम्मा कहने सारा भाई ने माँ आपने बताया कि राजू को फोन चोरी हो गो तो आप मुंडो लटकेड़ो देख लो। अब बाहर जा रहा है मैं एक बार पुलिस स्टेशन जाऊँगा बैठा रिपोर्ट कर पता नहीं पहली जाकर बोल का आया था मैं लेकिन एक कोई बात सुनो को नहीं बाकी तो अब जा रहा मैं आना नहीं था लड़ाई बुन करा तो अब मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा रिपोर्ट कर ला और एक बार जाऊँगा बैठे शक है एक कोई लड़का पे वो बोले कि मैं धुंधलो चेहरों याद है मिले तो अब मैं बैठे जाऊँगा और पता लगाऊंगा बी एरिया में थोड़ा वो क्योंकि फाइंड माई डिवाइस में एक बार चेक करा लोकेशन तो आके डाके आई। चलो भाई साहब चलो तो गाइज आ गए हम। अरे कैसे नहीं आएगा यार निकाल अपने वाले को निकाल अब रख उधर आ गया। अब ये भी आ जाएगा देख घुमा इसको सही कर और अब ये भी आ जाएगा देख अब वो थोड़ा ऊपर आएगा थोड़ा आराम से बंद करना मेरे को तो पुलिस स्टेशन पे भी भरोसा नहीं यहाँ से भी चोरी जब पुलिस स्टेशन में लाश दफनाई जा सकती है तो कुछ भी हो सकता है। हो जाएगा मिल जाएगा फोन ठाओ सर को पुलिस स्टेशन वहाँ की काई सुनवाई को नहीं हो रही। अब बार मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और अठे वहाँ की काई सुनवाई को नहीं हो रही और इन देख लो एक मुंडो लटक मिले क्योंकि जो पुलिस वाला का मैं नंबर मिला मैं बान बोला कि माँ को मोबाइल वगैरह चोरी हो को तो वे मान फोन पे कह रहा है कि मैं बारह आयड हूँ और मैं कोई मुजरिम ने पकड़ बन आयड़ा तो अभी आप वेट करो वगैरह वगैरह बोल दिया और मैं अठा आया पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा हुआ था नहीं तो माँ की काई सुनवाई को नहीं हो रही है और जो मान यहाँ बोला था कि मैं मुजरिम पकड़ बन आयड़ूँ वो अठा खुद घूम रहे हो बाहर और बारन गया माँ का समय तो आ सच्चाई है आप पुलिस स्टेशन की सच्चाई है कि अठा को हाँ राजस्थान की पुलिस तो माँ बकवास है सबसे बेस्ट जो मैंने बार तक पुलिस लगी है वो गुजरात की है। सबसे बेकार है ना विश्वकर्मा पांच नंबर थाने की ये दुख अपने मुंह से कह रहा हूं। ये दुख बोल रहा है इसका लेकिन ये दुख सच्चा है। राजू बताएगा अपनी फीलिंग ले राजू बता बोल राजस्थान पुलिस के बारे में सब कुछ बोल दे। अगर राजस्थान पुलिस अच्छी होती तो अभी मेरा फोन मेरे हाथ में होता। थोड़ा जोर से बोल सुनाई नहीं देगा इसमें। अरे क्या बताऊं यार आवाज नहीं निकल रही सुबह से डोल लिया फोन देखो ये हाथ भी काले हो गए राजस्थान पुलिस माँ बकवास मैं कहा यार क्या कहूँ गाली नहीं बस गाली मत बकियो दुनिया की सबसे खराब पुलिस इतनी खराब की पूछो ही मत एक्शन के नाम पे कुछ नहीं है राजस्थान में बस आप घर बैठो टेस्ट करो कमाओ दोबारा लाओ पुलिस के भरोसे करते ही मत रहो। उन्होंने मर जाएगा तब जाके है ना मीडिया फुटेज खाने के लिए फटाफट भगते हुए जाएंगे और मुजरिम के अलावा किसी और को पकड़ के बोलेंगे ये है मुजरिम ऐसी है राजस्थान पुलिस। अभी क्या बेचारे है ना मेरे से लेकर के छोड़ देती है ये क्या बोल रहे हो मतलब नहीं पता चल रहा निर्दोषियों को पकड़ लेती है उल्टा इंजाम लगा के फंसा देती है राजस्थान पुलिस और क्या अभी हुआ क्या गुनहगारों से पैसे खा लेती है। अभी हुआ क्या कि हमने दूसरे जो सर थे उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है तो हम अब रिपोर्ट करने आए हम पहले आए थे तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई उन्होंने नंबर दे दिए और बोले कि मेरे को कॉल कर लेना दो घंटे बाद में तो उसके बाद उन्होंने बोला मैं मुजरिम पकड़ रहा हूँ तो हम परेशान हो गए और हम वहाँ पे गए तब वो वहाँ पे घूम रहे थे तो फिर हम दूसरे सर से मिले तो उन्होंने बोला कि एक काम करो तुम रिपोर्ट लिखवा दो और उसके बाद में कार्रवाई होगी तो रिपोर्ट उन्होंने यह बात भी क्लियर कर दी कि तुम ऐसा मत सोचना कि रिपोर्ट लिखवाने के बाद में हाथों हाथ तुम्हें मोबाइल मिल जाएगा तुम्हें 15-20 दिन भी लग सकते हैं और महीना भर भी लग सकता है तो फिर मैं उनको टोंट मारते हुए बोल दिया कि हाँ क्या पता 6 महीने भी लग जाए तो उन्होंने देखा और बाद में बोला कि हाँ तू रिपोर्ट करवा के एक कॉपी हमें दे देना और एक कॉपी खुद रख लेना और ई मित्र से रिपोर्ट करवा दो तो इतने काम जो है उससे रिपोर्ट भी नहीं होती तो बस अब ये हुआ है और हम जाएंगे अभी रिपोर्ट करवाने तो आज का व्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं। जय श्री राम हर हर महादेव।